नमस्कार दोस्तों आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज हम यहाँ पर जो है पढ़ेंगे बी एस सी फर्स्ट सेमेस्टर बी एस सी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन दो हज़ार तेईस का पेपर है वो भी कंप्यूटर अप्लीकेशन कंप्यूटर अप्प्लीकेशन का पेपर फर्स्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल एंड इंटरनेट इसी पेपर के बारे में हम पढ़ेंगे और इसका कोड है यहाँ पर इकतालीस उनहत्तर और इससे इस पेपर को शुरू करने से पहले बता दें अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस चैनल पर बी ए बी एस सी एम ए एम एस सी आज सभी का पेपर का वीडियो और इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी की आपको न्यू अपडेट भी आपको इसी चैनल पर मिलेगी और साथ ही साथ बता दें यहाँ पर हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और यहाँ पर और टोपोलॉजी की न्यू टेस्ट चालू की थी आप उसको भी वीडियो यहाँ पर से देख सकते हैं चलिए वीडियो को यहाँ से अब शुरू करते हैं यहाँ पर टाइम दिया गया है यहाँ पर टाइम है यहां पर दो घंटे का पेपर होगा और मैगियो मार्क जो है यहां पर पचहत्तर अंकों का होगा यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है नोट नोट दिया गया अटेम्प्ट क्वेश्चन आर सेक्शन आर डायरेक्टेड चलिए क्वेश्चन यहाँ पर अब पढ़ते हैं पहला सेक्शन ए है यहाँ पर सेक्शन ए है इसका हमने मॉडल पेपर भी बनाया था और साथ ही साथ बता दें इसका हमने मॉडल पेपर भी बनाया था इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का मॉडल पेपर अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ से आप उसका इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का मॉडल पेपर भी देख सकते हैं बी ए बी एस सी एम एम एस सी सभी का मॉडल पेपर एक ही है वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं चलिए यहाँ पर आप क्वेश्चन शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पर सेक्शन ए पहला पहला है यहाँ पर सेक्शन ए है वेरी शार्ट एंसर टाइप क्वेश्चन वेरी शार्ट एंसवर टाइप क्वेश्चन है यहाँ पर चलिए इसमें नोट में क्या दिया गया है नोट में दिया गया है कि अटेम्प्ट एनी थ्री आउट ऑफ फाइव सब क्वेश्चन इज क्वेश्चन का रीज थ्री मार्क्स राइट आंसर इज क्वेश्चन इन फिफ्टीन यहाँ पर फिफ्टी वर्ड्स अर्थात कह रहा है जो सेक्शन ए में जो है सेक्शन ए में जो है यहाँ पर पांच क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपको तीन ही क्वेश्चन का आंसर देना है अगर आप एक क्वेश्चन का अगर आंसर देंगे तो आपको यहाँ से तीन मार्क्स मिलेंगे अर्थात अगर आप तीन क्वेश्चन का आंसर देंगे तो तीन गुड़े तीन अर्थात आपको नाइन मार्क्स मिलेंगे सेक्शन ए से नाइन मार्क्स मिलेंगे आपको सेक्शन ए से चलिए क्वेश्चन और यहाँ पर जो है सब सीमा सब सीमा आपको दी गई है यहाँ पर पचास वर्ड है पचास वर्ड आपको लिखना है यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर वन का ए है पहला वाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डाटा एंड इन्फॉर्मेशन वाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डाटा डाटा एंड इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है डाटा इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या है तो तीसरा बीस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी है क्वेश्चन नंबर बी है व्हाट इज़ कंप्यूटर 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 क्या है एक्सप्लेन द टाइप्स यहाँ पर कंप्यूटर क्या है इसके बारे में लिखना है और एक्सप्लेन करना है इसके टाइप्स के बारे में क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सी है, है स्टेट डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो अंतर होता है उसको लिखना है यहाँ पर उसकी उसको लिखना है चलिए क्वेश्चन नंबर डी है वाट आर ए डिवाइस वाट आर ए डिवाइस नेम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस यहाँ से वाट आर ए डिवाइस क्या है लिखना है और नेम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में बताना है आपको क्वेश्चन नंबर ई है वाट इज मेमोरी वाट इज मेमोरी लिस्ट द टाइप्स यहाँ पर टाइप्स क्या होता है मेमोरी की उसकी लिस्ट आपको दिखानी है यहाँ पर लिखनी है चलिए यहाँ से अब सेक्शन बी आ गया अब यहाँ से हम सेक्शन बी पढ़ेंगे यहाँ पर है सेक्शन बी यहाँ पर अब ये अभी तक तो था बेरी साठ एंसौ टाइप क्वेश्चन अब यहाँ पर साठ एंसो टाइप क्वेश्चन है चलिए इसका नोट पढ़ते हैं नोट में क्या दिया गया है नोट में दिया गया है अटेम्प्ट एनी फोर आउट ऑफ सेवन क्वेश्चन ईच क्वेश्चन नाइन मार्क्स राइट द आंसर आई ईच क्वेश्चन अबाउट आउट यहाँ पर ट्वेंटी फाइव यहाँ पर दो सौ पच्चीस वर्ड्स दिया गया है अर्थात यहाँ से जो है आपको सेक्शन बी में सात क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपको चार ही क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देना है अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको नाइन मार्क्स मिलेंगे यहाँ से नाइन मार्क्स मिलेंगे अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो नाइन मार्क्स मिलेंगे और साथ ही साथ इसकी सब सीमा जो है यहाँ पर दी गई है दो सौ पच्चीस वर्ड आपको यहाँ पर लिखने है। हैं चलिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर दो का ए है पहला क्वेश्चन नंबर दो का ए है व्हाट इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है एक्सप्लेन द टाइप्स और इसकी टाइप्स को भी एक्सप्लेन करना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी है व्हाट इज वाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग वाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग डिफाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है और डिफाइन द टूल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पर डिफ़ाइन करना है टूल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी है वाट इज़ ए नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम क्या है एक्सप्लेन आल द टाइप्स टाइप्स विध एक्ज़ाम्पल एक्सप्लेन ऑल द टाइप्स विध एग्ज़ाम्पल भी आपको एक्सप्लन करना है यहाँ पर या क्वेश्चन नंबर डी है वाट डू यू वाट डू यू अंडरस्टैंड बाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर वाट डू अंडरस्टेंड बाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक्सप्लेन इट्स टाइप्स इन डिटेल यहाँ पर आपको लैंग्वेज लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है और एक्सप्लेन करना है इसकी टाइप्स को टाइप्स की वो भी डिटेल में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई है वाट इज नेटवर्क यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई है वाट इज नेटवर्क डिफ्रेंशिएट लोकल नेटवर्क एंड इंटरनेट यहाँ पर डिफ्रेंट करना है कि लोकल नेटवर्क यहाँ पर लोकल नेटवर्क और एंड इंटरनेट के बारे में डिफ्रश करना है क्वेश्चन नंबर यफ है वाट डू यू वाट डू मीन बाई द सर्च इंजन या डू यू मीन बाई द सर्च इंजन स्टेट डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टरी सर्च इंजन एंड मेटा सर्च इंजन यहाँ पर आपको डिफरेंस अंतर बताना है अंतर बताना है किस में यहाँ पर डायरेक्टरी सर्च इंजन और मेटा सर्च इंजन के बारे में और साथ ही साथ सर्च इंजन क्या है इसके बारे में भी लिखना है क्वेश्चन नंबर जी है एक्सप्लेन टेलनेट एंड एफ टी पी एक्सप्लेन करना है टेलनेट और एफ़ टी पी क्या है कुछ चलिए वैसे अब यहाँ पर समाप्त हुआ सेक्शन बी समाप्त हो गया अब यहाँ से हम सेक्शन सी पढ़ेंगे यहाँ से अब सेक्शन सी है यहाँ पर सेक्शन सी है यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है यहाँ पर लॉन्ग टाइप सेक्शन सी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है यहाँ पर लांग एसोटाइप क्वेश्चन चलिए नोट पढ़ते हैं अटेम्प्ट ए टू क्वेश्चन आउट ऑफ फोर क्वेश्चन इज क्वेश्चन फिफ्टीन मार्क्स राइट आंसर इज क्वेश्चन अबाउट द यहाँ पर चार सौ पचहत्तर वर्क यहाँ से देखिए ध्यान से सेक्शन सी में जो है ए, चार क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपको दो ही क्वेश्चन का आंसर देना है अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको यहाँ से पंद्रह मार्क्स मिलेंगे अगर आप दो क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको यहाँ से तीस मार्क्स मिलेंगे सेक्शन सी से और साथ ही साथ बता दें इसकी जो सब सीमा है सब सीमा जो है यहाँ पर चार सौ पचहत्तर वर्ड आपको लिखने हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन में चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री का ए वाट आर ए लॉजिक गेट वाट आर ए लॉजिक गेट्स एक्सप्लेन द टाइप्स इन इंडिटेट यहाँ पर एक्सप्लेन करना है टाइप्स इन डिटेल को लॉजिक गेट क्या है लॉजिक गेट यहाँ पर ओ आर एंड गेट नॉट गेट ये सभी के बारे में बताना है क्वेश्चन नंबर बी है वाट इज ए माइक्रो प्रोसेसर एक्सप्लेन आर्किटेक्चर ऑफ एट बिट एंड सोलह बिट ऑफ प्रोसेसर इसके बारे में बताना है आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी है वाट इज इंस्ट्रक्शन सेट एक्सप्लेन एड्रेसिंग मोड्स दूसरा है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स तीसरा है इंस्ट्रक्शन सेट्स और चौथा है यहाँ पर मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन क्या है इसके बारे में आपको भी लिखना है लिखना है एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर डी है यहाँ पर डिस्कस द बुलियन अल्जब्रा एंड इट्स अप्लीकेशन एक्सप्लेन द स्विचिंग फंक्शन एंड बुलियन फंक्शन अलजब्रा अलजब्रिक एंड के मैप इसके बारे में भी बताना है यहाँ पर डिस्कस करना है बुलियन अजब्रा और उसके एप्लीकेशन को भी साथ साथ स्विचिंग फंक्शन बुलियन फंक्शन और अलजब्रिक एंड के मैप क्या है इसके बारे में भी बताना है चलिए थैंक यू अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग